सबसे पहले ये बताइए कि जो अरबाज का कत्ल हुआ जिस तरह से पेश आया है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या आपको कब मालूम हुआ और इसके पीछे क्या हो सकता है आगे भी चल के? बहुत अरसे से अरबाज को बार बार धमकी के फ़ोन आ रहे थे और लड़की के भी मुंह से मैं सुन चुकी थी कि हमारे रामसेना के लोग तुझे मारने वाले हैं। ये मैं खुद सुन चुकी थी कानों से। सैटरडे के दिन भी शाम में एक फ़ोन आधा घंटा तक उसे आया था, मैं खुद सुनी हूँ कि तुझे मारने वाले हैं और सभी ये फ़ोटो वगैरह मेरे डिलीट कर मोबाइल में से। फिर संडे के दिन मैं घर पर थी, मुझे हॉलीडे थी, तो संडे के दिन करीब 1 बजे मेरे बेटे को कॉल आना स्टार्ट हो गया है कि तू तेरा मोबाइल लेकर अर्जेंट खानापुर के सर्कल में आ जा बोलकर। तो बार बार इस तरह से धमकी के फ़ोन देखकर मैं ही उसका फ़ोन काट के ली, तो फ़ोन में सीधा नाम आया था राम सेना अध्यक्ष महाराज। तो मैंने देख कर पाए उसे पूछा कि ये आदमी तुझे क्यों बार बार फ़ोन कर रहा है, तो मेरे बेटे ने बोला कि वो लोग मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं और मुझे बुलाए हैं, अम्मी मुझे डर कर रहा है, तो कैसा क्या करेंगे, नहीं जाने का मम्मी, वहाँ वो मुझे मारने वाले हैं, ये बात बोला वो। तो हमने उसको क्या मैंने क्या बोला, उसके हाथ से फ़ोन छीन कर मैं उसको ही बात की कि हम लोग आ रहे हैं, क्या है वो वहीं पर फैसला करेंगे, हम आते हैं और वहीं पर आकर ये पूरा सॉल्व करेंगे, क्या है मामला देखेंगे। तो उसने बोला हाँ आ जाओ, आने के आते वक्त हमें एक कॉल कीजिए खानापुर आते वक्त, करीब करीब हम बोलेंगे कि आपको कहाँ पर आना है। तो जैसे ही हम लोग बस से चले गए, कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी हमारे पास, तो जैसे ही बेलगाम बस में बैठकर हमने खानापुर के नज़दीक नज़दीक करीब, उसने हमारे बेटे ने राम सेना के अध्यक्ष महाराज को फ़ोन किया, तो उसने बोला कि सर्कल में 1000 लोग ठहरे हुए हैं तुझे मारने के लिए, तो उससे पहला ही निपटाएंगे, पुल के पास ठहर जाओ। तो मैं और मेरा बेटा वहीं पर उनका इंतज़ार करने लगे, तो उसी वक्त ये राम सेना का अध्यक्ष महाराज और एक लेने नाम बताया मुझे कि प्रशांत, दोनों वहाँ पर थे और उनके साथ हमारे दाद भाई एक जो हमारे बीच में सुलह करने आया था, उसका नाम रंगारी है, अली रंगारी, तीनों थे। तो हम लोग मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या मामला है। तो महाराज ने बोला कि तुम्हारे बेटे ने मैसेज किया है हमारे लड़की को कि ऐसे शादी वगैरह अगर तू कहीं पर की तो तेरा फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, ऐसा बोला है, तो यही ऐसा नहीं करने का, ऐसा ऐसा धमकी देता है तुम्हारा बेटा। बोलने के बाद में मेरा बेटा वहाँ पर बोल रहा था कि मेरे जैसा एक आईडी बनाकर कोई तुम्हारे लड़की को ये कर रहा है, मैं तो इसमें नहीं हूँ, मैं 3 महीने से मेरे बैक पेन की वजह से मैं दर्द से ये कर रहा हूँ करके ऐसा मेरा बेटा बार बार बोल रहा था। तो उसके बाद में उनको बहुत सारे प्रेशर आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे बार बार कि ये जल्दी से वो मुझे दिखाए, फ़ोन भी दिखाए कि हमें देखो कितना प्रेशर आ रहा है कि वहाँ पर 1000 लोग सर्कल में ठहरे हुए हैं और आपको जल्दी से जल्दी निपटा लो। उसी बीच लड़की का भी कॉल आया और हमारे लड़के से बात की कि वो 7000 रुपये कुछ तो मांग रही थी, 7000 रुपये मैं तो तुम्हारे कुछ देने के नहीं है लड़की वगैरह के, हमारे लड़के ने बताया, क्योंकि मुझे बहुत लूट चुकी है, मैं तो उसके पैसे देने के नहीं है, फिर भी मम्मी देख के छोड़ेंगे ऐसा बोला। तो महाराज ने बोला सबसे पहले इसके पूरे फोन ले और इसके पूरे हमारे लड़की के फ़ोटो पूरे डिलीट करो। तो मैंने फ़ोन भी काट के दिया, पूरे फ़ोटो बहुत देर तक उन्होंने डिलीट किया एक 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 करके। फिर उसके बाद में सिम भी तोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने तीनों ने मिलकर सिम भी तोड़ा मेरे बेटे का, मेरे सामने ही सिम तोड़ा। तो सिम तोड़ते वक्त वो बोल रहा था मेरे तो ऊपर 40 केसेस हैं, अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही एसिड फेंकूंगा आपके ऊपर, ये बोला उसने मुझे राम सेना के अध्यक्ष ने। तो फेंकने की भी धमकी, हाँ एसिड फेंकने की मुझ पर दोनों पर धमकी भी दिए। और उसके बाद पैसे 7000 रुपये अभी का अभी दो बोलने लगे, तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे उस टाइम में, तो मेरे बेटे ने 500 रुपये का नोट निकाल के उनको दिया कि चाप वगैरह पियो। तो मैं उतने में मैं डर के बोली कि मैं फ़ोन पे करती हूँ आपको। तो दोनों ने अपना नंबर मुझे दिया उसी वक्त, प्रशांत ने भी दिया और महाराज ने भी दिया मुझे नंबर। मैंने सेव किया,
शो करने के बाद हम लोग, हमें जाने की बहुत गड़बड़ थी, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ रहे थे अरबाज को। और एक 10 सेकंड तक बाजू में ले जाकर उसने और भी बहुत सारे बातें की। वो तो मुझे क्या वो बातें हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारा जायद भाई बोल रहा था कि वो तेरे माँ को तो हम छोड़ने वाले नहीं। और उधर तो सारे लोग ठहरे हुए हैं, 1000 है, उसके बाद में हमारी बड़ी 1000 लोग मारेंगे ये। हाँ, 1000 लोग मारेंगे तो तुझे, और एक बड़ी सभा को अभी हमें जाना है, वहाँ तो 5000 लोग हैं, ऐसा वो बता रहा था। इतना होने के बाद हम जल्दी जल्दी डर के मारे दोनों, मेरा बेटा और मैं, बस में चले गए कि किसी तरह से भी हमें अपनी जान बचाना था और एक बार हमें वहाँ से निकलना था। अच्छा। उसके बाद में वो तीनों कहाँ गए पता नहीं, मैं तो मेरे बेटे को लेकर घर गई। ये जो आप हुआ जिस दिन हुआ उस दिन कैसा, वो फोन कहाँ से आ रहा था, बार बार बुलाया गया, घर से निकल कर गया अरबाज उस तरह? हाँ, जब इतवार का दिन था तो मैं घर पर नहीं थी, मैं कुछ काम से बाहर गई थी, गोवा गई हुई थी। तो उस वक्त उसे 5 बजे के करीब वो हमारे मम्मी को, जो घर पर थी मेरी बूढ़ी माँ, उससे जल्दी जल्दी से अपने एक दो फ़ोन देकर बोला कि फ़ोन वो चेक करने आने वाले हैं 4 लोग, ये फ़ोन लेकर तुम दोनों अपने मौसी के घर यानी लाला के घर जल्दी जाना है, मम्मी जब आएगी 7 बजे तो चली जाना नानी, बोल के दोनों फ़ोन वो हमारे माँ के हाथ में थमाया। और फिर मुझे भी 3:30 बजे कॉल किया था, मैं सफरिंग में थी तो बार बार पूछ रहा था कि मम्मी तुझे धमकी का फोन आया क्या, तो आते वक्त रिक्शा ही लेकर आना और आते वक्त मुझे बिरयानी वगैरह लाना, हम दोनों मिलकर खाएंगे बैठ के, ऐसा मेरा बेटा मुझे बोला। फिर मैं जैसे ही घर आई गोवा से तो मेरी माँ डरी हुई थी और जल्दी जल्दी चल बहन के घर जाए, अपनी बेटी के घर जाएंगे फोन लेकर, ये कोई चक करने वाले आने ही वाले हैं बोल के मेरी माँ बैग वगैरह लेके बन के बैठी हुई थी, घबराई हुई थी मेरी माँ। मतलब रामसेना वाले आकर फोन, हाँ फोन चेक करने वाले ही हैं, ऐसा मेरी माँ ने बताया कि उनके लोग आने वाले हैं और पूरे फोन चेक करने वाले हैं जी, ऐसा बोला। तो फिर ये जब कब हुआ ये फिर हादसा? आप ये हादसा 28 तारीख के दिन, मेरा बच्चा तो 5 बजे मेरे घर से अच्छा ही निकला हुआ था, घर से बाहर निकलते वक्त वो टोपी वगैरह भी पहना हुआ था, मेरी माँ बोल रही है नमाज पढ़ नानी बोल के घर से निकल के गेट तक भी मेरा बच्चा अच्छा ही गया है। उसके बाद में उसके साथ उस क्या हादसा करे वो लोग, मुझे तो पूरा शक उनके पर ही जाता है जी। लड़की का क्या किरदार है, वो तो चाहती थी, मोहब्बत करती, सामने भी रहती लड़की, क्या तो वो साजिश का हिस्सा? सबसे पहले लड़की की ही साजिश है वो, तो ये लड़की 2 साल से मुझे सता रही थी, वो तो रामसेना की है वो लड़की, 2 साल से हमें सता रही थी। मैंने उसके माँ को कितने बार बोला, उसको फोन भी किया था मैंने उसके माँ को कि तुम्हारी लड़की को तुम्हें कहीं पर भी दो, उसको अच्छा रिश्ता देकर दो, मेरे बेटे के पीछे भी लगी हुई है, बार बार टिफिन लाती है खिलाती है, ऐसा मत करो करके मैं इसने उसके माँ को बोलने के बाद भी उसकी माँ ने और लड़की ने मेरे बेटे को और शिकायत की कि तेरी माँ ऐसा ऐसा बोल रही, बोल को उसने मेरे बेटे ने बहुत डंटा वगैरह करके सिम भी तोड़ा था। आज भी वो डेट पर मैंने नया सिम लिया है, वहाँ पर रिकॉर्ड है। अच्छा, ये तो हादसा हुआ कि इस तरह से बर्बरियत से जिस तरह से कत्ल किया गया, आप पुलिस इंतजामिया से या तो फिर हुकूमत से क्या उम्मीद लगा? मुझे देखो इंसाफ चाहिए, जिस तरह से राम सेना उस दिन मुझे धमका रहे थे, बेटे को मेरे मारने के लिए ऐसा धमकी दे रहे थे, मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे थे, अब मैं वो मेरे बच्चे को उन्होंने ही मारा है सबने मिलकर, मुझे इंसाफ चाहिए। देखो मेरे तो बेटे के टुकड़े टुकड़े हो गए, अभी मैं तो छोड़ने वाली नहीं, मैं अभी मरने को तैयार हूँ क्योंकि मेरा कौन भी नहीं है अभी। Unless police gives us clearance and details of the accused, we have not even known who are they exactly. But according to Arbaz's mother, he is telling some Maharaj, Pundik Maharaj's name, who was consistently calling Arbaz on his phone every monthly and before. This murder also. They have already shifted to Belgaum, and only because of this reason I have shifted from Kanapur to Belgaum. And please see from your side also that the girl should not contact again Arbaz. And then after that, Arbaz's mummy went to Goa, and later on the day took murder place.
Arbaaz had called mother. He was very much afraid. He was shivering at home. He hand over his 2 mobile phone to his grandmother, and he tells her mother to come urgently from Goa. Whichever route you get, you take the auto or car, you come by flight. I am very much scared. At that point of time, Arbaaz hand over 2 Apple phones to grandmother, and he instructs, saying that you go out from home. Those people are coming here. I will just go and compromise with them and come back. Later on, at 7:38 evening, one phone call goes from Arbaaz's phone to his mother, saying that we have found the phone and body is fallen on the railway track by the lineman of the railway. She says, I'm on the way from Goa, and you can hand over the same phone to my brother who is doing hotel business in Khanapur. After that, the entire family goes on the spot along with that lineman, and they see, they call the police department. Entire process starts. Love was from both the sides. Yes. Yeah. Love was from both the sides. Yeah. Not from one side. Yeah, both the sides. And what they have done is, this is totally injustice. They would have launched the complaint if any mistake was done by Arbaaz. But one thing we have found, Arbaaz has sold his car of 10 lakh rupees value only for 90,000 rupees. What was the hurry of arranging the money? He had 3 Apple phones of high range. He was ready to sell those phones urgently for 50,000 rupees. Just 50,000, which her sister from London, she has sent to him to use that. So this all shows they were harassing him. They had 2 causes behind this. One was love jihad, and second one was they were extorting him. Money. So this is what they have done. So our demand is very clear. They should be hanged till death. And this is not only the case of 302, this is complete conspiracy. We want root level investigation to be done in this. And we have faith in police department. They have done a terrific job till date, and shortly they will come with the result. Right.